दोस्तों ये है टॉप 3 हॉरर मूवीज जिनमें कमाल की स्टोरी लाइन, क्राइम, सस्पेंस, फैंटेसी, शॉकिंग ट्विस्ट, रिलेंटलेस हॉरर एंड साइकोलॉजिकल थ्रिल जो कि आपको बहुत दिनों तक याद रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 3 पर जो मूवी है इसका नाम है मलिग्नेंट। ये एक हॉरर क्राइम मूवी है और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर रेंट करके देख सकते हो। मूवी में स्टोरी है मेडिसिन मिचेल नाम की एक औरत की जिसका अपने अब्यूजिव हस्बैंड के साथ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ होता है। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट मेडिसिन को बहुत ही डरावने विजन्स आते हैं जिसमें वो बहुत से ब्रूटल मर्डर्स देखती है। ये विजन्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं कि मेडिसिन भी कन्विंस्ड हो जाती है कि ये सारी चीजें रियल में हो रही है। एंड शी फील्स शी इज रियली विटनेसिंग ऑल दीस किलिंग्स एज दे हैपन। आफ्टर सम टाइम हमें पता चलता है कि मेडिसिन को अडॉप्ट किया गया था एंड उसे अपने अर्ली इयर्स बिल्कुल भी याद नहीं। स्टार्टिंग में पुलिस का शक पूरी तरह से मेडिसिन के ऊपर होता है, लेकिन मेडिसिन की बहन सिडनी एंड डिटेक्टिव शॉ एक साथ मिलकर ऐसे ऐसे डार्क एंड ट्विस्टेड सीक्रेट एंड सच्चाई का पर्दा फाश करते हैं जिसे देखकर हम ऑडियंस भी शॉक हो जाएंगे। तो आखिर सच्चाई क्या है एंड क्या ये मर्डर्स रियल में हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ मेडिसिन का वहम है? ये सब जानने के लिए यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। तो नंबर 2 पर जो मूवी है इसका नाम है व्हेन इविल लर्क्स। ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है और इस मूवी को देखने के लिए आपको इंटरनेट पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मूवी में स्टोरी एक छोटी सी रूरल कम्युनिटी की जहां दो भाई पेड्रो और जिमी एक सड़ती हुई डेड बॉडी से टकराते हैं एंड ये बॉडी इंफेक्टेड होती है बुरी शक्तियों से जिसे रॉटन कहकर डिस्क्राइब किया जाता है। इट मींस इसके अंदर शैतानी शक्तियों का कब्जा है। अब गांव वालों को लगता है कि ये कर्ज चारों तरफ फैल रहा है एंड वो सब सिर्फ कुछ दिनों के ही मेहमान है जिसके बाद ये बुराई पूरे गाँव को खत्म कर देगी। पेड्रो एंड जिमी भी बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है अपनी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई वो एक लोकल हीलर से मदद मांगते हैं ताकि वो इस इंफेक्टेड बॉडी को शहर से बाहर ले जा सके जिससे कि ये कर्ज पूरे गांव में ना फैले। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इनकी सारी कोशिश वेस्ट चली जाती है जिसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होती है बिकॉज अब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर बुरी शक्तियां आने लगती हैं। तो आगे की स्टोरी आप मूवी देख कर जानिए कि अब ये दोनों भाई क्या करेंगे इस डिमोनिक फोर्स से लड़ने के लिए। ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा डराने वाली है, सो प्लीज चेक आउट दिस मूवी, इट विल बी टोटली वर्थ वॉचिंग, आई प्रॉमिस यू। तो नंबर 1 पर जो मूवी है इसका नाम है द लाइट हाउस। ये एक हॉरर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी को भी आप प्राइम वीडियो पर रेंट करके देख सकते हो। मूवी में स्टोरी है फियम विंस्लो नाम के एक यंग मैन की जो कि एक आइलैंड पर आता है असिस्ट करने अपने से बड़े एंड एक्सपीरियंस लाइट हाउस कीपर को जिसका नाम है थॉमस वेक। विंस्लो बहुत ही ज्यादा शांत एंड इंट्रोस्पेक्टिव नेचर का इंसान है एंड इसके लिए ये जॉब पूरी तरह से नई है, लेकिन वेक पूरी तरह से एक डिफरेंट इंसान है। वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग, सुपरस्टिशियस एंड स्ट्रिक्ट होता है। स्टार्टिंग से ही इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंड होता है। जैसे वेक विंस्लो से सभी कठिन काम करवाता है एंड खुद के लिए उसने बढ़िया लैंटर्न वाला कमरा रिजर्व करके रखा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है विंस्लो को बहुत ही स्ट्रेंज से विजन्स दिखते हैं जिसमें वो मरमेड एंड डिस्टर्बिंग इमेजेस देखता है एंड इन विजन्स में उसे वेक भी दिखाई देता है। अब अकेलेपन, खराब मौसम एंड रोज के रिलेंटलेस रूटीन की वजह से विंस्लो का मेंटल स्टेट पूरी तरह से हिल जाता है एंड वेक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर एंड उसकी वार्निंग्स पावर को लेकर उसे और भी ज्यादा पागल कर रही होती हैं। वेक विंस्लो को मना भी करता है लाइट की ड्यूटी करने से। वो कहता है कि ये एक सेक्रेट यानी पवित्र चीज है। ये सारी चीजें मिलकर विंस्लो को पूरी तरह से पागल कर रही होती हैं। सो ग्रेजुअली कैरेक्टर के साथ साथ आप भी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसे चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवीज रिलेटेड कॉन्टेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।